नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है 10 शहरों की 10 बड़ी खबरों की और सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की, जहां पिछले 3 दिनों से चले आ रहे राजस्थान मामले का आज आधा हल हो चुका है। अर्थात इसके तहत कांग्रेस ने सचिन पायलट को खूब खड़ी खोटी सुनाते हुए डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है, कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अर्थात कि अब कांग्रेस के तरफ से सचिन पायलट अलग हो चुके हैं। अब रह गया कि सचिन पायलट को क्या करना है, उसके पास क्या पावर है। कांग्रेस को जो पावर यूज करना था वो कर लिया, अब सचिन पायलट के पास क्या पावर है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अर्थात आधा काम हो चुका है, आधा बाकी है। अब सचिन पायलट की बारी है और सचिन पायलट ने इसकी शुरुआत करते हुए कांग्रेस को भी खूब धोया और कहा कि सच को परेशान करना ठीक नहीं है। इन सब के बीच बीजेपी कहीं नजर तो नहीं आ रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि कल तक आज रात में सारी खिचड़ी बीजेपी और सचिन पायलट के बीच पक चुकी होगी और कल तक राजस्थान के राज्यपाल से बीजेपी के नेता मिलेंगे और गहलोत सरकार को राजस्थान में बहुमत साबित करने को कह सकते हैं, बहुमत साबित करने की मांग कर सकते हैं बीजेपी के नेता। ये बड़ी खबर है कि कल बीजेपी के नेता अशोक गहलोत सरकार से बहुमत साबित करने की मांग कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल में दिल्ली का दूसरा प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। ये बड़ी खबर है, कोरोना को कंट्रोल करने में दिल्ली अब काफी आगे निकलता जा रहा है और अब कोरोना पर काबू पाने के ओर बढ़ता दिख रहा है। कानपुर के विकास दुबे मामले में आज यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चौबेपुर के पूर्व एसओ पर केस दर्ज हो चुका है। 50,000 का इनामी बदमाश शशिकांत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से लूटे हुए हथियार को भी बरामद किया जा चुका है। इस मामले में 21 अभियुक्त बनाए गए हैं, जिनमें से 6 का इनकाउंटर हो चुका है और 4 को पकड़ लिया गया है। मध्य रात्रि में बिकरू गांव में दबिश के दौरान पुलिस पार्टी पर अभियुक्त विकास दुबे और उनके साथियों द्वारा हमला कर असलहों से फायर कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर सरकारी असलाह भी लूट लिया गया था। अब तक 6 अभियुक्त विभिन्न तिथियों में पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं, जिनका नाम है विकास दुबे, राजाराम, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा व प्रवीण दुबे। 120 बी में 7 अभियुक्त जेल गए हैं, 216 में 2 अभियुक्त जेल गए हैं। अब नामित वांछित अभियुक्तों की संख्या शेष 11 रह गई है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं, उनका नाम है गुड्डन त्रिवेदी एवं सोनू, उनको रिमांड पर लेके यहाँ की पुलिस आ रही है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई जो भी है नियमानुसार की जाएगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में समतलीकरण के दौरान मिल रही मूर्तियों और प्रतीक चिन्हों को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जिसको लेकर अखिल भारतीय आजाद बौद्ध धम्म सेना ने कहा है कि इन प्राचीन अवशेषों से सिद्ध हो गया है कि अयोध्या ही प्राचीन बौद्ध नगरी साकेत रही है। प्राचीन अशोक बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट केसरिया पूर्वी चंपारण बिहार से मैं आया हूँ और आने का हमारा एक ही मकसद है कि कुछ दिन पहले हम अखबार, टीवी चैनल और व्हाट्सएप के माध्यम से हमको ऐसा देखने में लगा कि भाई जो वर्तमान अयोध्या है वह हमारा प्राचीन साकेत नगरी है, क्योंकि राम मंदिर वर्तमान में राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे अयोध्या में कार्य उत्खनन एवं समतलीकरण के दौरान बहुत सारे ढेर सारी बुद्ध की मूर्तियाँ, सम्राट अशोक का धम्म चक्र, कमल का फूल यानी अन्य बौद्ध अवशेष मिलने से यह स्पष्ट हो गया है कि अयोध्या ही, वर्तमान अयोध्या ही हमारा प्राचीन साकेत नगरी
बुद्ध नगरी साकेत है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के अंतर्गत कमला गांव में चंबल नदी के गांधी सागर नदी का जलाशय इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां छोटा गांव के नाम से 3-4 दिनों से ये फेमस हो चुका है और यहां पे अब तक 2000 से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं इस दृश्य को देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा हमको, भवश्री का एंजॉय हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, पहली बार हम मतलब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत व्यवस्थित विशेषता यहाँ पे, बहुत अच्छा है नजारा यहाँ का, बाहर के लोगों को देखकर यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है हमें, लगभग यहाँ 1000 या 2000 पब्लिक डेली आ रही है। मेरे पहले दृष्टिकोण में आया तो मैंने भी, कल कोरोना लॉकडाउन था इसकी वजह से मैं आज आया हूँ, वैसे आना मेरे को कल था और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो जगह है ये गांधी सागर का जो गांधी सागर पे जो डैम बंधा हुआ है चंबल नदी पे, उसकी पानी वाली लोकेशन है, पास में ही कौला गाँव है और ये भानपुरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पे इतनी प्यारी लोकेशन है कि 4-5 दिन में ही इतना पॉपुलर हो चुका है यहाँ की लोकल आसपास के 4-5 जिलों में कि बता नहीं सकते हम लोग। कोरोना को लेकर इन दिनों मध्य प्रदेश के ग्वालियर केंद्रीय कारागार सुर्खियों में है। दरअसल यहाँ के 4 पुरुष बंदी और 1 महिला बंदी को कोरोना होने की खबर के बाद जेल की सुरक्षा में तैनात 25 सुरक्षा कर्मी और 80 बंदियों का टेस्ट कराया गया है। इन सभी को कोरोना नहीं होने की खबर है, जो अच्छी बात है, लेकिन 20 सुरक्षा कर्मी का टेस्ट दोबारा हुआ है और उनका भी रिपोर्ट आना बाकी है। जेल सुपरिटेंडेंट मनोज कुमार साहू का कहना है कि यदि किसी बंदी को जेल भेजा जा रहा है तो उससे पहले उसका कोरोना रिपोर्ट, कोरोना चेक कराना होगा, नहीं तो और भी अंदर जो बंदी हैं उन्हें कोरोना फैल सकता है। हमारे यहाँ पहले तो कोरोना से काफी बचाव रहा, बट अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ कोरोना के कुछ बंदी को पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें अभी तक मिला के टोटल 4 बंदी जो पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके साथ जो भी बंदी थे लगभग 100 बंदी जिनका आइसोलेशन किया गया और टेस्ट भी कराया गया उनका, तो 2 चरणों में लगभग 80 बंदियों का टेस्ट हो चुका है जिनमें कोई भी बंदी पॉजिटिव नहीं पाया गया था। तो बाकी अभी दो बंदी को जो कोरोना पॉजिटिव लगे, लगभग उनके 20 बंदियों का भी टेस्ट होना है, वो लगभग 3-4 दिन में उनका टेस्ट होगा, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। और एक महिला पॉजिटिव भी निकली हमारे, जिसमें 8 महिला भी क्वारंटाइन है। कोरोना काल में अपने रुतबे का इस्तेमाल कर शादी करना नगर निगम उपायुक्त राकेश आयाची को महंगा पड़ गया है। जिला प्रशासन ने उपायुक्त के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। ये 30 जून को राकेश आयाची जी के परिवार की का विवाह समारोह हुआ था 2000 रुपए में, तो इस संबंध में जो तहसीलदार गोरखपुर है श्याम सुंदर आनंद, उनके प्रतिनिधि आए थे पटवारी अखिलेश ठाकुर, उन्होंने कंप्लेन की थी कि इनके द्वारा अनुमति नहीं ली गई थी और जो अनुमति में निर्धारित संख्या उससे ज़्यादा मेहमान थे, तो उनकी शिकायत पर से 188 IPC के तहत FIR IHC सर के विरुद्ध और जो रुद्धार रोड के ओनर हैं नीतू भाटिया सर, उनके शादी वगैरह तो अब नहीं हो रही है, लेकिन जिन शादियों में लापरवाही हुई है, जिनमें नॉर्म्स का पालन नहीं हुआ है, उसमें भी FIR हो रही है। लगातार हो रही बारिशों के कारण सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से निचले इलाके में पानी भर गया है और यहां रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाके में रह रहे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है। बाहर की स्थिति तो बहुत ही खराब है, अभी जो है बीच में अगले साल जो है हमने मंडलायुक्त में जो है कमिश्नर साहब को मुख्यमंत्री जी को ऑनलाइन से कम्प्लेन किया गया था और दादा जी ने भी कम्प्लेन किया था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो बीच में अभी थोड़ा मोड़ा कार्रवाई चल रही है, थोड़ा मोड़ा खाली फॉर्मेलिटी पूरा की जा रही है, इससे अभी भी जो है बाढ़ होने की संभावना, बढ़ने की संभावना भी बढ़ सकती है। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, यहाँ मुबारकपुर में जो बस्ती है किनारे नदी के, वहाँ क्या स्थिति है, कितने लोगों को? वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है, वहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि अभी भी कटान ये जो है बंद नहीं हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है, और जिससे लोगों को जो आबादी जो घनी आबादी है वहाँ पे लोगों को भय है कि कटान कटना जाए। यहाँ पे प्रमुख रूप से अराजी देवारा, माझा कमरिया और सिद्धनाथ गाँव में बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को आने जाने के लिए पानी से होकर के आना जाना पड़ रहा है, प्रशासन की तरफ से नाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है,
न ही कोई मेडिकल कैंप लगाया गया है जिससे कि लोगों को दवा इलाज मुहैया करवाया जाए। पशुओं के चारे को काफ़ी दिक्कत हो रही है, लोग चारे के लिए दूर दूर तक उन लोगों को जाना पड़ रहा है। अभी आपके सामने बाढ़ का पॉइंट देखा है, यहाँ पे लगभग 10 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं, वैसी कोई मेजर समस्या नहीं। मध्य प्रदेश के रायसेन में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध कॉलोनियों का महाजाल बुनता जा रहा है, जहां कॉलोनाइजर भोली भाली जनता को सुख सुविधा देने का प्रलोभन देकर महंगे दामों पर प्लॉट तो बेच देते हैं, लेकिन उन्हें सुख सुविधा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं दिया जाता। खामियाजा महंगे दामों पर प्लॉट खरीदने वाले भोले भाली जनता को यहां परेशानियों में जीवन यापन करना पड़ रहा है। देखिए, मेरी जानकारी में तथ्य नहीं है, आपने चूंकि तथ्य ये बताया है तो मैं निश्चित रूप से CMO नगरपालिका और सब इंजीनियर को भेज के इसकी जांच करूँ। मैं पूरी इसकी जांच करता हूँ, कितनी पुरानी कॉलोनी है, कब की है, क्या है, मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी इश्यू आप उठा रहे हैं निश्चित रूप से मैं पूरे सभी तथ्यों की जांच करा देता हूँ और जांच में जो भी दोषी होगा मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पहुर गांव में एक सांड लड़ते लड़ते गेस्ट हाउस के छत पर चढ़ गया। सांड को छत से उतारने की काफी कोशिश की गई लेकिन वो नहीं उतरा, जिसके बाद प्रशासन को इसकी खबर दी गई। स्थानीय पुलिस ने क्रेन के माध्यम से सांड को 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद नीचे उतारा। पहुर गांव में यहाँ सांड चढ़ गया जिसको उतारने के लिए क्रेन लगानी पड़ी और ये क्रेन काफ़ी देर तक जो है रस्सी से बांध करके सांड को उतारा गया और इसके लिए ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्कत की गई। और ये थाना कल्याणपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव आता है, बहुत जो स्टेट हाईवे किनारे बसा हुआ है। सांड कैसे चला ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन उसको बचाने के लिए लोगों ने काफ़ी प्रयास किए और उसको सुरक्षित बचा भी लिया गया। ये गेस्ट हाउस की छत पर चढ़ गया था। तो ये थी 10 शहरों की 10 बड़ी खबरें। नमस्कार।